हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं होंडा की ब्रियो है, 2012 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। इसका एसी का बटन देखो, एसी चालू है, कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 12 पे है। अभी और भी ड्रॉप होगा, बटन वर्किंग में है लेकिन बट लाइट ग्लो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं इस बटन का लाइट यानी बल्ब आता है वो फ्यूज हो चुका है, तो इसमें नया बल्ब डालने वाला हूँ। तो चलो फिर मैं कंट्रोल पैनल को खोलता हूँ, खोलना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, इसे खुल जाएगा। तो चलो फिर खोलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं बटन खोल चुका हूँ और ये वाला बल्ब इसका शॉर्ट हो गया है यानी चल नहीं रहा है। तो चलो बल्ब भी दिखा देता हूँ आपको, ये वाला बल्ब हम डालेंगे। तो चलो फिर मैं इसमें ये वाला बल्ब डाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बल्ब डाल चुका हूँ मैं, तो चलो अब मैं फिटिंग करके आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली फिटिंग कर दिया हूँ, जैसा कि देख पा रहे बटन फिट हो चुकी है। चलो मैं इसमें सॉकेट में लगा के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे फाइनली मैं फिट कर चुका हूँ बटन, अब लाइट भी ग्लो कर रहा है, देख पा रहे ऑन ऑफ हो रहा है। तो एसी चालू रखता हूँ, देख पा रहे कंट्रोल पैनल कैसा है इसका। अक्सर बेस्तर ये वाली होंडा की ये बटन में प्रॉब्लम होता ही है, तो रिपेयर भी हो जाता है आसानी से। मैंने इसका इसमें नया बल्ब तो नहीं मिल रहा है, सेकेंड मतलब दूसरी बटन का बल्ब इसमें डाला हूँ। तो चलो फिर मैं एसी चालू रखता हूँ और कूलिंग टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको। जब तक के लिए होल्ड करता हूँ वीडियो और देखता हूँ कूलिंग टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कूलिंग टेम्परेचर अपना 6.8 पे आ चुका, ड्रॉप नहीं हो रहा है, काफी टाइम चालू है, 6.9 हो गया, अभी ट्रिप हो गया टेम्परेचर। तो कूलिंग प्रॉपर हो रहा है यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।